और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है। 1970 में आज पहली बार पर्यावरण को बचाने की मुहिम शुरू करने के लिए अर्थ डे मनाया गया था। हर वर्ष 192 से ज्यादा देश आज के दिन पर्यावरण से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस मौके पर हमारी आपसे अपील है कि आप पर्यावरण की रक्षा कीजिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आज के मुकाबले बेहतर प्राकृतिक विरासत छोड़कर जाने का प्रण लीजिए। वर्ष 1977 में आज ही के दिन पहली बार ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल लाइव टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में की थी। आपको बता दें कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सूचना के संचार का ऐसा तरीका है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश के छोटे छोटे पल्सेस के जरिए सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इस तकनीक ने टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया में नई क्रांति की शुरुआत की थी। वर्ष 1914 में आज हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा यानी बीआर चोपड़ा का जन्म लुधियाना में हुआ था। बीआर चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा को नया दौर, कानून, निकाह, गुमराह और हमराज जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। उन्हें खास तौर पर 1980 के दशक में आई टीवी सीरीज महाभारत के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। वर्ष 1870 में आज रूस के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ था। व्लादिमीर लेनिन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर के पहले प्रमुख थे। उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज यानी राजनीतिक सिद्धांतों को लेनिनवाद कहा जाता है और इन्हें आज भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है।